हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का नाम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है तो ये डेफिनेटली है कि इसमें हम लोग कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमें कैसे जो है अकाउंटिंग करनी है। देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले आप ये समझेंगे। सपोज दैट, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। एक ओनर है जिसकी एक शॉप है, आप शॉप को कुछ भी मान सकते हैं, क्लॉथ शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मोबाइल शॉप है, कुछ भी, एवरीथिंग। उसकी एक शॉप है जिसके वो अकाउंट्स मेंटेन करके चलता है, उसके अकाउंट्स मेंटेन करता है। क्यों? फॉर नो द प्रॉफिट एंड लॉस इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि उसका जो प्रॉफिट और लॉस है, उसकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या रही। ठीक है, एक तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस भी मालूम करने का एक तरीका है अकाउंट्स बनाना। साथ साथ अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं, उसका एक रीज़न और भी होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस पता करके हम उस बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो भी पता कर सकते हैं। भाई, परफॉर्मेंस किससे पता चलती है? रिजल्ट से। और वो परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? जब अकाउंट्स आप बनाएंगे और उसके जो प्रॉफिट और लॉस आएंगे वो बताएंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही है बिजनेस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आपने जो है वो अकाउंट्स मेंटेन किए। तो इसी चीज को हम अब आगे और एडवांस करते हैं। सपोज दैट कि एक ओनर है, उसके अलग अलग जो हैं फोर शॉप हैं। हम ये भी एग्जांपल हम क्रिएट कर रहे हैं, एक ही ओनर है, एक बड़ा उसका जो है शोरूम है, उसमें अगर उसने मान लीजिए अलग अलग शॉप खोली हुई हैं या अलग अलग जगहों पर शॉप खोली हुई हैं, तो उसने अपनी सपोज कीजिए फोर शॉप जो हैं वो यहाँ पर मैनेज करी है। ठीक है, एक तो जनरल स्टोर मैनेज किया है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉप मैनेज कर रहा है, फिर उसके बाद क्लोथिंग मैनेज कर रहा है, और उसके बाद वो पेंट शॉप मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से अगर उसकी फोर शॉप हैं तो देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जब उसका पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, पूरी की पूरी जो शॉप है उसमें ये फोर डिपार्टमेंट अगर उसने ओपन किए हुए हैं, या मोर देन फोर या उससे ज़्यादा, या दो वन मोर देन वन, चाहे कितने भी किए हों, तो वो अगर उसने मेंटेन किए हुए हैं, चल रहा है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कंबाइंडली होते हैं। ये कंबाइंड एक्सपेंसेस क्या हैं? जैसे इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, पूरी के पूरे डिपार्टमेंट का एक ही मीटर होगा, एक ही बिल आएगा। बिल्डिंग पूरी अगर रेंट पे है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग का रेंट उसने ही देना है, एक ही ओनर को इकट्ठा ही होगा। इंश्योरेंस है, पूरी बिल्डिंग का इकट्ठा होगा, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। और ऐसे ही ऑडिटिंग है, अकाउंटेंट रखा है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी है, बहुत सारे एक्सपेंसेस जितने हैं वो सब जो है कंबाइंडली ही होंगे, अलग अलग थोड़ी ना होंगे, क्योंकि ओनर एक है तो वो इकट्ठा एक ही जगह करता रहेगा, एक ही ऑफिस इनको डील करता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंबाइंडली होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सेपरेटली भी होते हैं, जैसे हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी परचेज होंगी, अपनी अपनी सेल होंगी। तो
इस तरह से जो है यहाँ पर जो मिक्सचर होगा एक्सपेंसेस का, मिक्स हो गए हैं फिर कुछ सेपरेट हुए हैं, तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्रिएट होती है कि जब हम इनके अकाउंट बनाएंगे, सपोज कीजिए हम इनके अकाउंट जॉइंट बना देते हैं, यानी इकट्ठे एक ही जगह अकाउंट बना देते हैं, टोटल सबकी सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं एक ही जगह, टोटल सबकी परचेज भी एक ही जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ऐसे ही सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी सारे एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि अगर हमने सबकी सब एक्सपेंसेस इनकम जो है सब रिकॉर्ड एक जगह ही कर ली, तो उसमें क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है, ये जो परफॉर्मेंस वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। रीज़न कि जनरल स्टोर भी चला रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी चला रहा है, क्लॉथिंग भी चला रहा है, पेंट शॉप भी चला रहा है। अब अगर उसे ये पता करना हो कि उसका कौन सा डिपार्टमेंट उसको क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा उसको, वो कैसे पता करेगा अगर वो सारी चीज़ें कंबाइंड लेके चलेगा, अगर सारे एक्सपेंसेस कंबाइंड करेगा, सारी इनकम अगर कंबाइंड कर देगा, तो रिजल्ट भी जो है वो कंबाइंड ही आएंगे, यानी टोटल ओवरऑल रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट और लॉस जो निकल के आएगा वो सारे चारों के चारों डिपार्टमेंट का आ जाएगा। तो यहाँ पर किस डिपार्टमेंट ने क्या परफॉर्मेंस दी है पूरे टाइम पीरियड में, ये कैसे मालूम होगा? देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमें मालूम है, अभी उसे मालूम नहीं है, पूरे ओवरऑल डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ आया जब उसने जॉइंट अकाउंट बनाया, तो पूरे ओवरऑल 4 के 4 डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ आया। अब उससे क्या हुआ कि उसको लगा कि भाई बहुत बढ़िया काम चल रहा है, 1 लाख रुपीज़ जो है हमने अर्न कर लिए हैं अपनी शॉप से। लेकिन जब हमने इनको अलग अलग करके इनके प्रॉफिट्स निकाले, तो हमें ये मालूम हुआ कि जो इनके अलग अलग प्रॉफिट्स थे वो इस तरह से थे, फर्स्ट डिपार्टमेंट का तो 50,000 का प्रॉफिट था, सेकंड वाले का 30,000, फिर थर्ड वाले ने भी इनको 40,000 अर्न करके दिए, और ये जो है फोर्थ वाला ये माइनस यानी लॉस में था 20,000। यानी ये 50,000 दे रहा है, ये 30,000 दे रहा है, ये 40,000 दे रहा है, इट मीन्स ये सभी मिला करके तीनों 120,000 जो हैं अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन फोर्थ वाला इसमें 20,000 का लॉस जो है वो दे रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें अब ये अलग अलग निकालने से ये पता चला कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये हमारा डिपार्टमेंट बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ये लॉस में चल रहा है। तो अब ओनर के पास में ऑप्शन होते हैं कि वो इसमें या तो इसको ठीक करे या फिर इसको डिसकंटिन्यू करके ही नहीं बढ़ाए, वो इसको क्यों चलाए। लेकिन अगर वो इकट्ठे अकाउंट बनाता रहेगा तो ये बात उसको कभी पता नहीं चलेगी कि उसके साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वो इकट्ठे अकाउंट या अगर जॉइंट का अकाउंट बनाता रहेगा, वो चारों डिपार्टमेंट के अलग अलग नहीं बनाएगा, तो उसको तो यही लगेगा कि वो तो 1 लाख रुपये कमा रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, जबकि एक्चुअल में जो है वो बल्कि और 20,000 का लॉस जो है और उठा ही रहा है, क्योंकि अगर ये फोर्थ डिपार्टमेंट काम ना करे, अगर वो इसको बंद कर दे तो उसके प्रॉफिट और बढ़ जाएंगे, 120,000 हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि अगर फोर्थ वाले डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू करके वो इन्हीं 3 डिपार्टमेंट में से किसी डिपार्टमेंट को और ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर दे, यानी इसके रिसोर्सेज इन तीनों में यूज़ कर ले, तो हो सकता है उसके प्रॉफिट 120 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसा कब हुआ है? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आप अकाउंट जो है वो अलग अलग मेंटेन करके चलेंगे, यानी हम जॉइंट अकाउंट यहाँ पर कंबाइंड अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट में आपको करना क्या है, यहीं से इसका बेसिक जो है शुरू होता है कि आपको जो है यहाँ पर किसी फर्म के जो है आपको
उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनके आपको जॉइंट कुछ एक्सपेंसेस दिए होंगे, कुछ जॉइंट एक्सपेंसेस आपको दे करके उसके ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो दिए होंगे, आपको उनको सेपरेट करके डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट तैयार करने हैं, यानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकाउंट हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, उनके आपको कंबाइंड से जॉइंट की कंबाइंड या जॉइंट की अकाउंट की तरफ से उसको सेपरेट अकाउंट की तरफ लेके जाना है। तो ये है आपका जो है बेसिक जो वर्क है यहाँ पर, जो आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट में करना है। तो ये इस वजह से हम करते हैं। ये मैंने आपको भी बताया कि जॉइंट एक्सपेंसेस जो हैं उनको डिवाइड करके हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं।